वक्त भले ही लगा हो लेकिन कानून के शिकंजे में अपराधी फंसी गया है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों अपराधियों के लिए यूपी पुलिस काल बनी हुई है और योगी का जो एक्शन है वो बदस्तूर जारी है। शनिवार को मऊ में टॉप 10 गैंगस्टर्स में से एक, उसके खिलाफ पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया। गली में ढोल नगाड़े बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी की शादी है, बारात निकलने वाली है। लेकिन इस बारात में आम लोगों से ज्यादा वर्दी वाले दिख रहे हैं। दरअसल यहाँ ढोल नगाड़े बज तो रहे हैं लेकिन ये किसी की शादी के लिए नहीं बल्कि एक गैंगस्टर की प्रॉपर्टी कुर्क करने के लिए यहाँ मुनादी कराई जा रही है। सुनो सुनो सुनो, सभी लोगों को ये सूचित किया जाता है कि मुकदमा अपराध संख्या 320/23 धारा 31 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा सन ऑफ ताज मोहम्मद ये अवैध तरीके से धन एकत्रित करके ये जमीन जमीन के साथ ये भवन का निर्माण किराया कराया था। ये मकान और जमीन की कीमत लगभग 39,20,050.63 वर्ग मीटर व मकान नंबर 664/1 को 14(1) की कार्रवाई के तहत ये कुर्क की जाती है। जिले के टॉप 10 गैंगस्टरों में शामिल कलीम उर्फ हीरा पर आरोप है कि उसने अवैध कमाई से 39 लाख की जमीन खरीदी और उस पर ये मकान बनाया था। कुर्की से बचाने के लिए उसने इस मकान को अपनी भतीजी के नाम पर कर दी थी। लेकिन पुलिस को जांच में जब पता चला कि आरोपी कलीम के भतीजी के पास इतनी बड़ी संपत्ति हासिल करने के लिए कोई सोर्स नहीं है तो इस मकान की कुर्की का आदेश दिया गया। आदेश के बाद शनिवार को पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, मुनादी कराई गई, फिर घर की पूरी तलाशी लेने के बाद पुलिस ने घर पर ताला लगाया और उसे सील कर दिया। थाना दक्षिण टोला द्वारा एक गैंगस्टर मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर का अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा पुत्र ताज मोहम्मद जो अलाउद्दीनपुरा का रहने वाला है, इसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 320/23 गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था। इसने अपने भतीजी के नाम पे एक मकान, एक जमीन और उस पर बना मकान जिसकी कीमत 39,20,000 रुपये है, उसको जो है कि उसने दिया हुआ था। आय का जब वैध स्रोतों के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बता नहीं सके, लिहाजा जो हमारे स्रोत और खोजबीन से पता चला कि उक्त संपत्ति जो है कि अवैध तरीकों से अर्जित की गई है, जिसको कलीम उर्फ हीरा द्वारा जो है कि अपने भतीजी को दिया गया था। लिहाजा आदेशानुसार जिला मजिस्ट्रेट महोदय इसको कुर्की की कार्रवाई करते हुए इसको जब्त कर लिया गया है और इसमें जो है कि सभी प्रकार का नियंत्रण राज्य सरकार का होगा आगे से। आज की ये कार्रवाई। कलीम उर्फ हीरा उत्तर प्रदेश में मऊ जिले का टॉप 10 NDPS एक्ट का अपराधी है। इससे पहले मुख्तार अंसारी गैंग के गुर्गों पर कुर्की की कार्रवाई हुई थी और अब कलीम के खिलाफ पुलिस के एक्शन से अपराध जगत में हड़कंप मच गया है।